إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين معزز علماء الكرام आज के इस हज तरबियती इज्तिमा के मोहतरम मुंतजमीन किराम इस इज्तिमा में शरीक हज के लिए शिरकत करने वाले हज में साले रवा में अज़्म रखने वाले मोहतरम हज़रात ख़वातीन और दीगर हाज़रीन इज्तिमा अल्लाह ताला ने अपने घर बैतुल्लाह का हज हर मुसलमान मर्द औरत पर जो साहबे इस्तेआत हों उन पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज किया है और फर्जियत में इसका दर्जा बहुत बड़ा है। वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने इसे इस्लाम का एक रुकन ठहराया है। इस्लाम में इसकी हैसियत एक अहम रुकन की है, इसीलिए ताकीद किया कि अल्लाह के लिए जिसके पास इस्तेआत है, जिस मोमिन मर्द औरत के पास इस्तेआत है, उसको अल्लाह के घर का हज करना है। और अगर वो नहीं करता तो कुफ्र की बात अल्लाह ताला ने कही कि ये कुफ्र है कि एक मोमिन इस्तेआत के बावजूद अल्लाह के घर का हज न करे। और फरमाया कि अल्लाह ताला इस इबादत का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह तो सारे आलम से गनी है, बेनियाज है, उसे किसी इबादत की कोई एहतियाज नहीं। लेकिन ताकीद इस तरह फरमाई कि जो लोग हज की इस्तेआत के बावजूद हज नहीं करते वो कुफ्र की राह पर, कुफ्र की जिंदगी में है। इसीलिए आप जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा फरमाया कि जिस बस्ती में लोग बसते हैं और इस्तेआत के बावजूद हज नहीं करते तो उन पर जिजिया लगा दिया जाए। बात सलफ से मिलता है कि वो फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो किसी शख्स के बारे में कि इस्तेआत के बावजूद उसने हज नहीं किया तो मैं उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ूं। इतनी ताकीद इस्लाम में हज की है और इतनी अहमियत है। और आप जानते हैं कि रुकन किसको कहा जाता है? रुकन जो है वो पिलर है, पिलर। ये मस्जिद जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा ये अपनी बुनियादों पर खड़ी है। ये इसकी बुनियादें ना हो तो इमारत
नहीं रुक सकती। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियादें जो बताई हैं उनमें हज को एक अहम बुनियाद करार दिया है कि इस्लाम की इमारत उसकी अपनी बुनियादों के बगैर कायम नहीं रह सकती और हज उसमें एक अहम बुनियाद है। इसीलिए हज के तई अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कहा आप ऐलान करें लोगों में, आप लोगों में ऐलान करें ये जो काबा आपने बनाया है, ये जो मेरा घर आपने बनाया है, इस घर का लोग हज करें। वो आज दिन फिन्ना से बिल हज या तू का रिजालम वाला कुल्ले दामिरी या तीन मिन कुल्ले फजी नमी, कहा लोग आएंगे पैदल आएंगे, सवारियों पर आएंगे, शौक से आएंगे। इसीलिए एक मोमिन को अल्लाह ताला ने उसके दिल में शौक भी रखे, शौक भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। एक मोमिन को हज का शौक है, रगबत है, लेकिन शौक और रगबत के साथ साथ उसको ये जानना जरूरी है कि इबादतें जो फर्ज हैं वो अपने वक्त पर फर्ज हैं, इस्तेताअत के साथ फर्ज हैं, तो जब वक्त हो जाए तो उसे टाला नहीं जा सकता। इसीलिए ताकीद है कि जब इस्तेताअत मौजूद हो तो एक मुसलमान मर्द औरत को हज करना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कब कौन सा उज्र लाहिक हो जाए और वो हज ना कर सके, और अल्लाह ताला के एक फरीजे और एक बुनियादी रुकन के तई वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में उसका वो पीरियड गुजर जाए, और बल्कि वो नाफरमानी जिसको कुफ्र से ताबीर किया है कुफ्र में वो जिंदगी गुजर जाए। इसलिए इसकी अहमियत समझने के लिए इतनी बात काफी है कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द औरत पर जिनके पास इस्तेआत मौजूद हो अल्लाह के घर का हज करने की, उनके ऊपर जिंदगी में एक बार हज करना फर्ज है और ये रुकन है। अगर इस रुकन की हिफाजत नहीं की जा सकी, अगर मुसलमान अरकान इस्लाम की हिफाजत नहीं कर सका और नहीं करेगा तो अल्लाह ताला के दीन और इस्लाम की हिफाजत तो कैसे कर सकता है। इसलिए ये नुक्ते नजर समझना बहुत जरूरी है कि दीन की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि उसकी बुनियादों की हिफाजत ना हम कर सकें, और इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद अल्लाह के घर का हज है। देखिए हज जो है इसकी अहमियत और भी है, बहुत सारी अहमियतें हैं, उनमें एक बहुत बड़ी अहमियत यह है कि हज से इंसान के अकीदों, अमल, सलूक और अखलाक की सही तरबियत होती है। एक मुसलमान हज के अमल से बहुत सारी मनफातें हासिल करता है, बहुत सारे मुनाफे और फवाइद हासिल करता है। इसलिए इसकी अहमियत समझना जरूरी है कि हज के फायदे कितने हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लोग हज करें ताकि हज के फायदे हासिल करें। हज की अहमियत में उसके फायदे कितने हैं, उसके फायदे हैं दुनिया और आखिरत में कसरत के साथ फायदे हैं। उनकी बहुत सारे उलमा ने उनको शुमार भी किया है, बड़ी लंबी तादाद गिनाई है कि कितने फायदे हैं हज में। तो हज की अहमियत यह है कि एक इंसान की अकीदे की तरबियत होती है, तहजीब होती है, उसके मनहज और अमल की तहजीब होती है, और इसी तरह उसके इसलाह और तजकिए का अमल होता है। इसलिए हज के जरिए एक मुसलमान अपनी जिंदगी को निखारने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर और महज़ब बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हज के जरिए वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करे। देखिए हज की अहमियत इस तौर पर बहुत बड़ी है कि हज की शुरुआत एक हाजी तौहीद के ऐलान से करता है। तौहीद के ऐलान से यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह करके, लब्बैक हज्जन कह करके एक हाजी जो है ये
अल्लाह ताला की तौहीद के ऐलान के साथ इस शियार के साथ हज का आगाज करता है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का वस्फ कि आपने कैसे हज किया, तो फरमाते हैं कि जब आपने हज का आगाज फरमाया तो आपने तौहीद के ऐलान के साथ हज शुरू किया, तौहीद का तलबिया आपने पढ़ करके हज शुरू किया। लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो इस तरह तौहीद का तकरार और इसी तरह शिर्क का इनकार और अल्लाह ताला की हमद उसकी नेमत और इन्नल हमद व नेमत लक वल मुल्क और अल्लाह ताला की बादशाहत का इकरार और ऐलान के साथ जब एक बंदा हज करता है और इस शियार के साथ हज का आगाज करता है तो उसकी जिंदगी में सिर्फ ये तलबिया नहीं होता। अगर वो समझता है हज और हज के मसाइल, हज के अहकाम, तो ये तकरार उसकी जिंदगी में दाखिल होते हैं और उसके असरात बहुत गहरे होते हैं। आम तौर पर हम लोग, आम लोग जो नहीं समझते मुख्तलिफ शियार के मफहूम और मुराद को, तो वो ये समझते हैं कि कुछ अल्फाज हैं, कुछ कलमात हैं, वो बोलते रहते हैं, तलफ्फुज करते रहते हैं, सेंटेंसिंग करते रहते हैं, हालांकि वो बड़े बड़े गहरे माना रखने के हामिल होते हैं। आप देखिए जब एक बंदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि वो कहता है अल्लाह तेरी निदा के बाद, हज के लिए तेरे ऐलान के बाद मैं तेरे हुक्म पर हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं तेरे दरबार में हाजिर हूं। और अल्लाह ताला फिर देखिए कितना दर्जा देता है एक हाजी को और कितनी अहमियत और फजीलत हासिल होती है एक हाजी को कि उसे अल्लाह ताला का मेहमान होने का शरफ हासिल होता है। हदीस में आता है अल हुज्जाज वल उमार वफदुल्लाह, हाजी जो हैं और उमरा करने वाले जो हैं ये अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने अल्लाह ताला की दावत को कबूल किया और फिर जब वो अल्लाह ताला से सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला देता है। कितना अजीम मकसद हासिल होता है और इससे कितनी बड़ी अहमियत साबित होती है कि एक हाजी की कितनी अहमियत है। इतनी अहमियत है कि वो अल्लाह ताला का मेहमान होता है। एक हाजी जब अल्लाह ताला के घर को जाता है, सफरे हज पर निकलता है, तो गोया कि वो अल्लाह का मेहमान बन करके निकलता है, अल्लाह के बुलावे पर वो जाता है। और जब अल्लाह के बुलावे पर वो जाता है तो आप देखिए जब अल्लाह ने बुलाया और उसने लब्बैक कहा तो फिर जब अल्लाह ताला से वो दुआएं करता है, उलमा कहते हैं हाजी जब दुआएं करता है अरफा में पहुंच करके तो अगलब यह है कि उसकी सारी दुआएं कबूल होती हैं, सारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो एक हाजी की अहमियत इस नाते और हज की अहमियत इस नाते बहुत बड़ी होती है कि वो अल्लाह ताला का मेहमान होता है। आप सोचिए जिस बंदे को अल्लाह ताला की मेजबानी हासिल हो जाए, शरफ हासिल हो जाए, उसका कितना बड़ा दर्जा है। और हज की फजीलतें बहुत हैं, हज की फजीलतें बहुत हैं। हज की अहमियत अगर आदमी समझ करके उसके बरकात और फजीलतों को हासिल करने की कोशिश करे तो बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन फजीलतें उसी वक्त हासिल होंगी जब एक हाजी इस्तेताअत के साथ, सही मौकिफ के साथ, सही जज्बे के साथ, सही फिक्र के साथ वो हज को, हज का प्रोग्राम बनाए, हज के सफर को निकले। उसका सबसे पहला मसला ये हो कि वो अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह के लिए, वलिल्लाह अलन्नास हज्जुल बैत, अल्लाह के लिए उसे हज करना है और इखलास के साथ हज करना है। इखलास के साथ हज करेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हज करेगा तब हज का उसे बेहतर बदला और उसकी फजीलत उसे हासिल होगी। इसीलिए एक लालची आदमी, सबको लालच होती है, लेकिन सही लालची आदमी वो होता है, सही हाजी और हज्जिन जो सही लालच रखते हैं वही हो सकते हैं जो हज के तई ये जानते हो, समझते हो कि हज का बदला, हज की फजीलत उसी वक्त हासिल होगी जब इखलास के साथ हज किया जाए और इस जज्बे के साथ हज किया जाए
कि अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल कर ले, तो उन्हें दो बुनियादों को पूरी करना जरूरी होता है। वो पूरी करेंगे, फिक्र करेंगे तो अल्लाह तौफीक देगा। एक बुनियाद तो ये कि हज अल्लाह के लिए करेंगे, दूसरी बात यह कि हज जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करेंगे। इसीलिए आज का भी ये इज्तिमा इसी मकसद के तहत हमारे जिम्मेदारों ने मुनाकिद किया है, जामे मस्जिद के जिम्मेदारों ने और दूसरे मुआमिनीन ने मिल करके, कि लोगों को जो हज के सफर पर जाने वाले हैं उनको हज के मसाइल बताए जाएं, आकाम बताए जाएं, आदाब बताए जाएं, हज का अमली तरीका बता दिया जाए, ताकि वो हज करें तो हज मबरूर उन्हें हासिल हो सके, हज उनका मकबूल हो सके। हज की कबूलियत के लिए जरूरी है कि अल्लाह के लिए हज किया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हज किया जाए। इन दो बुनियादों के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हज के लिए इखलास जरूरी है और इसी तरह हज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हज की पैरवी जरूरी है। तमाम इबादतों में ये हिदायत और तालीम है, खुसूसियत के साथ हिदायत है। नमाज पढ़ो ऐसे ही जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के पीरियड में आप हज फरमा रहे हैं, हज्जतुल विदा है, आप फरमाते हैं हो सकता है इसके बाद मैं तुम्हें ना देख सकूं, तुम मुझे ना देख सको, मुझसे तुम हज ना सीख सको। आप फरमाते हैं खुजू अन्नी मनासिककुम, हज का तरीका मुझसे सीख लो। हज का तरीका सीखा सहाबा ने और बयान किया सहाबे किराम ने, तो हमारे लिए जरूरी है, उन हुज्जाज के लिए जरूरी है जो हज पे जा रहे हैं खुसूसियत के साथ, कि वो हज का तरीका सीख करके जाएं। बहुत सारी चीजें सरसरी पढ़ने से सुनने से बहुत ज्यादा दिलो दिमाग में नहीं बैठती हैं। अपने तौर पर पढ़ रहा है आदमी, लेकिन जब सुनता है तो उसका असर अलग होता है, जब कोई अमली शक्ल देखता है तो उसका फायदा और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी आप इंशाल्लाह आदाब से मुतालिक भी सुनेंगे और अमली मश्क भी आपके सामने पेश किया जाएगा हज का, लेकिन ये कि उसके लिए फिक्र की जरूरत है। वो फिक्र ये कि हम हज करें ऐसे ही जैसे हज करने का हमें हुक्म है। आप देखिए हज में जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हज किया जाए। बहुत सारे मसाइल में देखा जाता है कि लोग हज करते हैं और पहले से तरबियत याफ्ता नहीं होते, फिक्रमंद नहीं होते, तो आम तौर पर देखा जाता है कि हाजी पूरे जज्बे और शौक के साथ मशायरे मुकद्दसा में हैं, हज के मकामात पर हैं, हरम में हैं, लोग रियायत नहीं करते, लोग आदाब की रियायत नहीं करते, वसूलों की रियायत नहीं करते। देखिए जैसे पहुंचते हैं मीकात से लब्बैक की तकबीर शुरू करते हैं, खाने काबा में पहुंचते हैं, खाने काबा का पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि खाने काबा में पहुंचेगा हाजी और हाजी वजू करेंगे, अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे। सहाबी रसूल बयान करते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु उम्मुल मोमिनीन आयशा बयान फरमाती हैं, आप जब पहुंचे काबा में तो आपने वजू किया और आपने तवाफ किया। तवाफ में सहाबी रसूल बयान करते हैं, आपने हजरे अस्वद को हजरे अस्वद का इस्तीलाम किया, रुकने ईमानी को आपने छुआ, ऐसा समझिए। दोनों जो रुकन है, रुकने ईमानी, एक जो हजरे अस्वद है, एक कोना जिसमें हजरे अस्वद नसब है, हजरे अस्वद को चूमना है या छूना है अगर इस्तेतात मौजूद है, चूमने की इस्तेतात है, चूम सकता है आसानी से तो बोसा देगा, चूम नहीं सकता है तो उसे छुएगा, मस करेगा, टच करेगा, अगर टच भी नहीं कर सकता है तो उसके लिए इशारा करेगा। ऐसे ही शुरू करेगा हजरे अस्वद से और दोनों जो कोने हैं यानी जो शामी कोने हैं दोनों, उनको नहीं छुएगा,
रुकने ऐमानी पे जो आएगा, जो हजरे अस्वद से पहले जब हजरे अस्वद से चक्कर मारते हुए आएगा तीसरे कोने पर, वो रुकने ऐमानी है, उसको छुएगा, उसको छूमेगा नहीं। देखेंगे आप लोग गिलाफे काबा के साथ लिपते रहते हैं, चूमते चाटते रहते हैं, और उसके साथ जो भी करते हैं वो आज दुनिया देखती है, लाइव चलता है। सख्ती के साथ मना है, सख्ती के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वैसे ही करना है अल्लाह के घर का तवाफ, और जिसे छुआ है अल्लाह के नबी ने उसी को छूना है, और जिसे चूमा है अल्लाह के नबी ने या हुक्म दिया है उसी को बोसा देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ लोग देखेंगे आप कसरत के साथ, जो लोग काबा की दीवार तक पहुंच जाते हैं, अगर भीड़ कम होती है या भीड़ को चीर फाड़ करके वो किसी तरह पहुंच जाते हैं, तो इंतहाई सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं, लोगों को मुश्किलात में डालते हैं, लोगों के साथ वो मुआमला करते हैं जो फिस्क के दायरे में दाखिल है, तकलीफ दे करके लोगों को रुकने अमानी तक पहुंचते हैं, काबा की दीवार और गिलाफे काबा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और हजरे अस्वद पर जो सूरत हाल होती है वो तो किसी हाल में, जो सूरत हाल हजरे अस्वद पर बनी होती है उस कोने पर, यानी हजरे अस्वद को चूमने के लिए जो सूरत हाल बनी रहती है वो इंतहाई दर्जे की गैर शरई है, इंतहाई दर्जे की। ये गैर तरबियत याफ्ता लोग, जज्बाती लोग, बोसा देने के शौक में इतनी ज्यादा वहां धांधली करते हैं, अपने जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करते हैं जो कतान जायज नहीं है इस्लाम में। तो मेरे भाइयों, इसलिए देखा जाता है, देखिए अल्लाह के घर का, अल्लाह के घर को जब तवाफ करता हुआ होगा बंदा, हाजी या उमरा करने वाला, वो छुएगा रुकने ऐमानी को, बोसा देगा हजरे अस्वद को या उसे छुएगा, इसके अलावा किसी को छूना सही नहीं। जैसे अल्लाह के घर के सिवा, अल्लाह के घर के सिवा किसी का तवाफ करना जायज नहीं, हराम है। वो कोई कब्र हो, कोई दरगाह हो, कोई भी जगह हो जिसे मुकद्दस आदमी ने बना लिया हो, मान लिया हो, या कोई मुकद्दस जगह ही हो, उसका तवाफ जायज नहीं है। ऐसे ही चूमना चाटना जायज नहीं है। आप देखेंगे कि कितने लोग कब्रों पर जा करके अपनी ठोड़ियों के बल बोसा देते हैं, चाटते चूमते हैं। अल्लाह के घर का चूमना और चाटना जायज नहीं है हजरे अस्वद के सिवा। और इसीलिए बहुत सारी तालीमात हज में मिलती हैं, वो तालीमात का लिहाज रखना इसलिए जरूरी है कि अगर उन तालीमात का लिहाज बंदा नहीं रखेगा, हाजी और हज्जिन नहीं रखेंगे, उमरा करने वाले मर्द और औरतें नहीं रखेंगे, तो ला हासिल हो सकता है उनका हज, उन्हें हज्जे मबरूर हासिल नहीं हो सकता। इसलिए इसका ख्याल रखना जरूरी है, भीड़ से लोगों को बचाना, तकलीफ से अपने जरिए लोगों को बचाना, ये बहुत बड़ा अमल है। आप जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को तकलीफ देने को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया, हराम करार दिया है। तो हज के अय्याम में भीड़ भाड़ बहुत होती है, इज्तिहाम बहुत बड़ा होता है, उसमें हर हाजी और हज्जिन को थोड़ी सी तकलीफ उठा करके, लोग नादानी करते हो तो वहां भी थोड़ा दूरी बना करके, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा तो उसका लिहाज करके इंशाल्लाह उन्हें अजर भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन सुन्नतों की खिलाफ वर्जी से हर हाल में बचना जरूरी है। ये बात इसलिए कह दी जाती है कि आमतौर पर इस बात का इशारा या इस बात का जिक्र इसलिए कर दिया जाता है कि आमतौर पर यह देखा जाता है लोग काबा की दीवारों पर पिल पड़ते हैं, चिपक जाते हैं, सही नहीं है, सख्ती के साथ मना है, सुन्नत के खिलाफ वर्जी है। और आप देखिए हजरे अस्वद को, काबा की दीवारों को छूना, ये तो उनके यहां अगर कहीं पाया गया तो फौरन तब्बीह कर दी गई। अगर सहाबा या सलफ के यहां किसी ने अच्छे जज्बे के साथ ये किया तो जैसे ही उन्हें तंबीह की गई फौरन वो रुक गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ये खिलाफ है।
سنت کے خلاف ہے فوراً وہ رک گئے. ایسے ہی ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے معلوم ہو کہ یہ سنت کے خلاف ہے فوراً وہ رک جائے. اسے رکنا ضروری ہے. تو سنت کی باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے حج میں. اگر ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو حج نہیں, اسے حج مقبول حاصل نہیں ہوگا. حج مقبول کے لیے بہت اصولی بات ہے, کسی بھی عبادت کے قبولیت کے لیے ایک اصولی مسئلہ ہے. وہ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے. اگر سنت کے خلاف ہے, آپ کی ہدایت کے خلاف ہے, تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ رد کر دیا جائے گا. ایک حاجی اس جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حدیث میں آتا ہے بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج للہ فلم یرفث ولم یفسک رجع کیوم ولدت امک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے حج کیا, اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے نامناسب بات نہیں کی, گندی باتیں نہیں کی, جمع اور عشقیہ باتیں نہیں کی, غزلیاتی باتیں نہیں کی, اور ایسے ہی حج کے اندر جن جن چیزوں کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے ان کی پابندی نہیں کی, جن سے بچنے کا حکم دیا ہے گیا ہے ان سے بچا نہیں, یعنی فسق کی راہ پر لگا رہا, تو اس کا حج تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی رفس و فسق سے بچا رہا, اس نے حج اللہ کے لیے کیا اور اس سے بچا رہا, یعنی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا حج کی حالت میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوٹے گا تو ایسے ہی لوٹے گا پاک ہو کر کے اپنے گناہوں سے, جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, اس کی ماں نے جب اسے جنا تھا تو وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں تھا, ایسے ہی لوٹے گا. تو جو شخص یہ فکر کر کے حج کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دے, اس کا انٹینشن ہوگا, اس کی فکر ہوگی کہ گناہ کی بات نہ کرے, گناہ کا عمل نہ کرے, نہ فرمانی کا کام نہ کرے اور عبادت سنت کے مطابق ہو. کتنی تاکید آپ نے فرمائی حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو, آپ فرماتے ہیں جو کچھ سیکھا اسے لوگوں کو بتاؤ. ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں کنکریاں دے دو, کنکریاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنے کے دانے کے برابر رنگ جمرات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں سنو, پہلے لوگ ہلاک ہو گئے دین میں غلو مت کرنا, یعنی کنکری لینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ کنکری بھی اوسط ہو, چھوٹی ہو, بہت بڑی نہ ہو. آپ نے اتنا تاکید کی اور اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کنکریاں بھی جمرات کو مارنے کے لیے بڑی لے لی گئیں تو یہ غلو ہے. یعنی کتنا پابند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح ایک حاجی اور ایک حجن جو ہے ایک حج پر نکلے ہوئے لوگ کس طرح سنتوں کی پیروی کی فکر کریں گے اور کس طرح انہیں کرنا چاہیے, اتنی فکر کرنا چاہیے. اسی لیے جہاں پہلے سے تربیتی عمل چلتے ہیں, ہدایتیں دی جاتی ہیں, حج کمیٹی ہو یا دینی اداروں کی طرف سے, جماعتوں کی طرف سے, علماء کی طرف سے, حاجی حجم خود کوششیں کرتے ہیں حج کے ایام میں بھی, وہاں بھی حج کے ایام میں بھی اللہ تعالیٰ مملکت سعودیہ کی حفاظت فرمائے اور دشمنوں کی سازشوں سے اسے محفوظ رکھے, وہاں بھی پورا نظام چلتا ہے حج کی تربیت کا, مسلسل عمل چلتا رہتا ہے. جو لوگ فکر مند رہتے ہیں ان کو تعلیم کا موقع بھی ہر جگہ حاصل ہے. فکر مند آدمی حاصل کر لے گا, وہ جو ہے وہ تعلیم اور تربیت حاصل کر لے گا اور وہ طریقے حج حاصل کر لے گا. اس لیے اس بات کی فکر کی ضرورت ہے, جتنے بھائی اور بہنیں حج کو جا رہے ہیں
वो आखिरी वक्त तक सीखते रहें, मसले पूछते रहें। मसला पूछना इसलिए जरूरी है ताकि सुन्नत का इल्म हो। आप जानते हैं कोई भी इबादत, कोई भी इबादत बिला इल्म के, बिला तालीम के सही ढंग से अंजाम नहीं दी जा सकती। इसीलिए इल्म जरूरी है अमल करने से पहले। इतनी बड़ी इबादत है, इस इबादत से पहले उस इबादत का तरीका सीखना जरूरी है। और इस में मेरे भाइयों, जब एक आदमी अल्लाह के घर को जाता है तो उसका जज्बा होता है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन आम तौर पर जज्बा जो है वो दायरे में नहीं रहता। उसूल और दायरे में लोग आम तौर पर हज नहीं कर पाते, इसलिए इसका लिहाज रखना जरूरी है। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी हिदायतें हैं, आदाब हैं, इंशाल्लाह आप सुनेंगे। बुनियादी बात यह है, अब मेरे इस दर्स में जो मुझे कहनी थी वो ये कि हज फर्ज है, जिंदगी में एक बार फर्ज है। हज फराइज में रुकन की हैसियत रखता है। हज के अजीम मकासिद और फवायद हैं, और जो लोग हज इस्तेताअत के बावजूद नहीं करते वो बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला है। और हज को इस्तेताअत के बावजूद टाला नहीं जा सकता, हज की मंजूरी ना मिले, हज के लिए हमारा इंतखाब प्राइवेट या मतलब हुकूमती सतह के निजाम से ना हो सके, वो आदमी उस वक्त इस्तेताअत से बाहर हो जाता है। लेकिन इस्तेताअत होने के बाद अगर वो कोशिश नहीं करता है तो जो इबादत एक वक्त में फर्ज होती है उसको टालने की कोई वजह नहीं होती। अगर कोई शरई वजह नहीं होती है तो बंदा टाल नहीं सकता। इसलिए टालना ये गुनाह का काम है। और आपने सुना कि हमारे सलफ कितनी कितनी अहमियत देते थे हज की, और जो लोग इस्तेताअत के बावजूद हज के सिलसिले में गफलत बरतते थे उनके सिलसिले में उनका मौकिफ कितना सख्त था। हम सबको अल्लाह ताला इन बुनियादी बातों को समझने की तौफीक दे। और हज की फजीलत में इतनी बात काफी है कि हाजी हज करने जाता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है, उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है, उसे पाक कर देता है। और हाजी जब इस जज्बे के साथ हज करने जाता है तो उसका काम है पहले से फिक्र की और अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ की, दुआ करता रहे कबूलियत की भी फिक्र रहे। एक सलफ है वहैब करके, वो कहते हैं वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, वो इज़रफ़ुल इब्राहिम अल कवाइद मिन अल बैत व इस्माइल रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तो रो रहे हैं, रो रहे हैं, कहते हैं ऐ खलीलुर रहमान, ऐ खलीलुर रहमान, आप रहमान का घर बना रहे थे, बैतुल्लाह तामीर कर रहे थे और आपको डर लगा था कि कहीं अल्लाह ताला इस अमल को ना कबूल करे, तो इतना डरते थे, यानी इतनी फिक्र थी कबूलियत की। हर हाजी के लिए ये जरूरी है, जो ये समझता है कि उसका हज उसके लिए एक फरीजे की अदायगी का अमल है और उसके लिए तहारत और पाकिजगी का अमल है, अल्लाह ताला उसे अपना मेहमान बनाता है और उसे पाक कर देता है, जो मांगता है वो दे देता है, तो उसे इस फिक्र के साथ हज करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसे उसके हज को कबूल कर ले। और उसको ये देखना चाहिए हज के बाद, हज के बाद उसे देखना चाहिए कि जो उसकी हालत अच्छी नहीं थी वो अच्छी हुई कि नहीं, अगर अच्छी थी तो और अच्छी हुई कि नहीं, यही निशानी है हज के कबूलियत की। हज मबरूर की यही निशानी है कि आदमी हज करके आए तो उसका अमल पहले से बेहतर हो जाए, बुरा था तो अच्छा हो जाए, अच्छे थे तो और अच्छे हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी ये समझे कि उसके हज की कबूलियत की कोई शक्ल नहीं है, कोई निशानी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुनियादों को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे जो भाई और बहन हज के इरादे पर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और जिंदगी के साथ उन्हें हज के इस हज की इस इबादत को अंजाम देने की तौफीक दे। और जो लोग मुस्तती हैं अल्लाह ताला उनको फिक्र करने की तौफीक दे। और जो लोग भी हज पर हैं
हज पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अमन व अमान के साथ हज की अदायगी की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन ममलकत सऊदी अरबिया को भी इस मसले में मजीद उन्हें तौफीक दे और फिक्र दे। वो बे इंतहा सारी दुनिया उनके इंतजाम और कोशिशों की मोतरिफ और कदरदा है। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में और बरकत अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।